भारतीय टीम के कप्तान, घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के उड़ा दिए परखच्चे। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल ने कर दिखाया। रिंकू और सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और आज से 270 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते विलखते नजर आए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। जी हां दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया। यहां पर मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, शांक रोक देने वाला काफी घातक विस्फोटक मुकाबला रहा। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहला T20 का मुकाबला जीता, दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली। लेकिन ये जब दोनों T20 के मुकाबले एक दूसरे से बराबर रहे तो तीसरा T20 का मुकाबला भारतीय टीम को हर हाल में जीतना था सीरीज जीतने के लिए। वहीं बांग्लादेश की टीम को अपने लिए जीत के लिए तीसरा T20 का मुकाबला जीतना था। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों टीमें काफी खतरनाक विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर तबाही भरी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रही थी। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच तीसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे और यहां पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से तीसरा T20 का मुकाबला जीतकर सीरीज में 2 जीत पा करके अपनी जीत तब्दील करेंगे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से 14 रन ठोक दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए एक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर 10 रन ठोक दिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाते रहे। दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली बॉल पर कवर ड्राइव की ओर चौका यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरा। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया कि आखिरकार भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक शेरों को हो क्या गया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब सुमन गिल आउट हुए। जी हां दोस्तों, सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अभिषेक शर्मा ने यहां पर दोस्तों 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं 6वें ओवर की 2री बॉल पर यशस्वी जायसवाल यहां पर 52 रन ठोक करके आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी आक्रमण और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। जी आप सभी को बता दें 8वें ओवर की 1ली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 18 रन ठोकर के आउट हुए। मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। जैसे ही ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए, ऋषभ पंत ने यहां पर 8वें ओवर की बची 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं 9वें ओवर की 2री बॉल पर अभिषेक शर्मा 47 रन ठोकर के आउट हुए। अब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हुए, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और 2 आसमानी गगन
चुमती छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 11वें ओवर की पहली बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें ऋषभ पंत 17 रन ठोक करके आउट हुए, जहां पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम का तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों के धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर जब 150 रनों के भीतर समेट गए 5 से 6 बल्लेबाज, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 150-200 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी और तीसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के परखच्चे उड़ा के रख दिए। दोस्तों 11वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। तो वहीं हार्दिक पांड्या भी कहां किसी से पिछड़ जाने वाले थे। हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, जब हार्दिक पांड्या आउट हुए 52 रन ठोक करके। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए फिर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है, जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। रिंकू और सूर्या ने 13वें ओवर से लेकर के इतने रन ठोक दिए कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की रूह कांप उठी। 13वें ओवर की बची 4 गेंदों पर रिंकू सिंह ने लगातार 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू सिंह काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्या ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुमती 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड एक अपना बल रिकॉर्ड बना दिया। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह के भी पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। भारतीय टीम के खुकार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तो वहीं रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर चौका ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर गगन चुमती छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले या पर स्ट्राइक अपने पास रखी और 15वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और बची 2 गेंदों पर लगातार 2 कवर ड्राइव की और चौके फिर ले लिए। रिंकू सिंह काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। रिंकू सिंह की तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर थर कांप उठे। दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके सूर्या ने फिर ठोक दिए, तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए, 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके आसमानी गगन चुमती छक्का सूर्या ने फिर ठोक दिया, तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुमती 6 छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने 20वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान दौड़कर सूर्या रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रिंकू और सूर्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। लेकिन फिर मैदान पर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने को उतरी तो काफी ज्यादा जोश और जुनून में दिख रही थी और जीत की अपनी जो है छाप छोड़ रही थी। पहले एक ओवर में 2 चौके 2 गगनचुंबी 6 छक्के कुलदीप यादव के ओवर में ठोक दिए, दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज, जहां पर 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए, तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई, 2 कवर ड्राइव कर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम यहां पर दोस्तों हम सभी को बता दें तीसरा टी20 का मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 कवर ड्राइव की ओर चौका, एक आसमानी गगनचुंबी छक्का बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ठोका, लेकिन 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने छटका दिया। मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर की 2
दो विकेट ले लिए 12वें ओवर की 6 गेंदों पर। तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट रवि बिश्नोई ने ले लिया, जहां पर बांग्लादेश की टीम अब यहां पर थर थर कांपने लगी और बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर अच्छा खासा दबाव बन गया। लेकिन बांग्लादेश के दो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर दो विकेट जसप्रीत बुमराह ने फिर चटका दिए, जहां पर बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट यहां पर हर्षदीप सिंह ने ले लिया और भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारतीय टीम ने तीसरा टी20 का मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।